हैदर साहब ये फरमाइएगा, माशाल्लाह से हमें झलक नज़र आ रही है सुल्तान राई साहब की फिल्मों में, जब कोई भी ऐसे रोल मिलता है, कैरेक्टर मिलता है, तो क्या राई साहब की पहली फिल्में देखते हैं आप कि मैं देखूं तो मैं उनमें रंग में ढलूं? देखिए, मैंने पहले तो कभी इस तरह से नहीं देखा कि मैं कभी कि मैं स्टाइल को कॉपी करूँ या फॉलो करूँ, लेकिन जब से मैंने ये थोड़ा सा अंग लिया है उनका, तो कुछ फिल्म्स मैंने उनकी वॉच दोबारा से की हैं, लेकिन मैंने यही जरूर किया कि मैंने 100% राई साहब को मैंने कॉपी नहीं किया, या उनको मैंने थोड़ा सा फ्यूजन किया है अपने स्टाइल के साथ उनको, ताकि वो ये लगे कि ऑब्वियसली उनको तो कोई भी कॉपी नहीं कर सकता, ही वॉज द वन एंड ओनली, लेकिन ये कि मैं ट्राई जरूर किया कि थोड़ी झलक उनकी नजर आए, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक ने बहुत पसंद की है, अल्लाह का बहुत शुक्र है। तो क्या ऑफ द रिकॉर्ड अगर जब शूटिंग वगैरह नहीं हुई होती तो राई साहब को देखते हैं आप? राई साहब की मूवीज़ वगैरह देखते हैं और कोशिश करते हैं कि मैं यानी कि अबू की मैंने मूवीज़ एक्चुअली मैंने बहुत ज़्यादा देखी नहीं है, लेकिन जो मेरी फेवरेट फिल्मों में से हैं, बशीरा मैंने बहुत पसंद उनकी, मॉलरेट बहुत पसंद उनकी, और मेरी ख्वाहिश है कि इंशाल्लाह एक फिल्म मेरी करूँ कि बाबुल सदके तेरे उन्होंने की थी, बहुत ही मज़े की फैमिली फिल्म थी, तो वो उस कैरेक्टर में मैं चाहूँगा कभी आऊँ। ये आपका टाइटल रोल है इस फिल्म में सर, माशाल्लाह से बड़ा अच्छा लगा, तो क्या मुश्किलात दरपेश हुई ये इस टाइटल पे? तो पहले हमने आपको अक्सर देखा है जी, कि आपने साइड हीरो के तौर पे इस तरह के आपका फिल्म में हाँ जी सेकंड फिल्म था, तो यहाँ पे टाइटल में हम आपको देख रहे हैं जी जी, क्या डिफिकल्टीज आई आपको? देखिए, मेन बात तो सबसे बड़ी ये थी कि पाशा साहब का जो लिखा हुआ था उसको कैरी करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा बेटा मैंने सुल्तान भाई साहब के लिए मैंने ये कैरेक्टर्स लिखे थे, तो ये आपके शोल्डर्स पे है, तो उसको आपने कैरी करना है, तो ये मेरी बड़ी बहुत बड़ा टास्क था। उसके बाद गेटअप इसका कैसा होना चाहिए, डिफरेंट गेटअप ट्राई किए, इसका सिरा बिल्कुल सरफराज डोगर साहब के सर पर जाता है, वही दीवान साहब के सर पर जाता है, कि उन्होंने इसको सजाया उस तरह से और मुझसे वैसा करवाया, और पाशा साहब ने जैसा लिखा, फिर जब हम सीन करते थे तो उसको डिस्कस भी करते थे कि सही हुआ है या जैसे भी, तो काफ़ी सारी मेहनत गई है इसके बीच में। अच्छा, वो लोग भी पंजाबी फिल्मों में क्रिटिसाइज कर रहे हैं जो लोग समझते हैं इस कल्चर को भी हमारे, और मूवीज़ की सारी बैकग्राउंड उनको पता भी है, तो वो फिर भी क्रिटिसाइज पंजाबी फिल्म में कर रहे होते कि ऐ केड़ा दौर है, कि ऐ किस तरह हो रहा है, उन्हें इंजन होना चाहिए, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्यों क्रिटिसाइज वो करते हैं आप? बात यह है कि दौर नो डाउट चेंज हो गया है, लेकिन हमारे बहुत सारा क्राउड अभी भी ऐसा है जो इस तरह की मूवीज़ देखना चाहता है। मैंने कभी भी फिल्म्स को मैंने ये नहीं कहा कि ऐसी बने वैसी बने, मैं कहता हूँ फिल्म्स बननी चाहिए ताकि पब्लिक की जो नीड है, अब जो अगर आप हॉलीवुड की फिल्म अगर आती है डॉक्टर स्ट्रेंज, उसका सर्टन क्राउड वो देखेगा, हमारी फिल्में बनती है इसका सर्टन क्राउड वो देखेगा, तो बात ये कि आपको हर कैटेगरी के लिए फिल्म बनानी चाहिए। जो लोग उसे क्रिटिसाइज करते हैं, मेरे ख्याल से उसके नहीं करना चाहिए, बिकॉज इस पाकिस्तानी सिनेमा ओवरऑल देखा जाए, हम पाकिस्तानी सिनेमा की बात कर रहे हैं, तो आपको किसी फिल्म को भी इससे क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको आपको अप्रिशिएट करना चाहिए और उसको बकअप करना चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा, पब्लिक की डिमांड थी कि राई साहब का दौर, यानी कि हम देखें आपको ना उनके, काफ़ी लोगों ने हमें भी कहा, आप तक पैगाम भी पहुँचे, तो क्या इस रोल्स ऐसे ही रोल्स कंटिन्यू करेंगे या कोई तंज व मिजाज या कोई चेंज करेंगे थोड़ा सा? देखें आगे आने वाले वक्त किसी और रूप में हम आपको देखेंगे? नहीं, इंशाल्लाह ताला मैं काफ़ी सारी फिल्म अभी कर रहा हूँ, मेरा अभी एक टाइटल ये है मेरा, इसके बाद बबरा गुजर एक और आने वाली है, उसके बाद दिल मेरा चन्ना का टाइटल मेरा, तो उसमें आपको डिफरेंट हैदर सुल्तान नजर आएगा। दिल में चलना टोटली सॉफ्ट फिल्म है, लेकिन ज़्यादा मैं इसको इसी साल में कैरी ऑन करूँगा, क्योंकि मैंने पब्लिक का रिस्पांस देख लिया ना कि पब्लिक डिमांड है क्या मेरे लिए, क्योंकि राई साहब के बेटे के लिए जब भी कभी आएगा तो एक्शन में ही लोग देखना पसंद करेंगे, नॉट इन अ रोमांटिक फिल्म। अच्छा सर, राई साहब का एक डायलॉग था फिल्म का कि रब ने मारे थे शरीकों के वास्ते रोग नहीं, पंजाबी फिल्में जो है ना वो सिनेमा वाले बड़े ज्यादती करते हैं, लेकिन पंजाबी फिल्में फिर भी लोग देखते हैं, चाहे सोशल मीडिया पे देखें, चाहे सिनेमा में आके देखें, चाहे किसी, इनका दौर जिंदा इनको मार नहीं सकता, फैंस है, क्या कहना चाहेंगे इसको? पहली बात तो मैं उन फैंस का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इतने हार्ड कोर डाई हार्ड फैंस अबू जी के माशाल्लाह अभी भी मौजूद हैं, और मैं ये देखता हूँ कि अब जब मुझसे बात करते हैं तो उनकी आंखों में जो चमक नजर मुझे आती है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जैसे वो राई साहब से बातें करें, मुझसे नहीं करें, तो मेरे को और भी अपने रिस्पॉसिबिलिटी मुझे फील होती है कि मुझे इनकी नीड पूरी करनी है, इनका जो एक क्राइटेरिया माइंड का मुझे पूरा करना है इसको, तो डेफिनेटली ये है और ये रहेंगे इंशाल्लाह आगे आने वाले दौर में, ये हमारे फैंस से रहेंगे इंशाल्लाह, तो आने वाले वक्तों में हम आपको देखेंगे टाइटल रोल में दोबारा? जी बिल्कुल, मैंने बताया इसको, मेरे अलहमदिल्ला मेरे चार टाइटल और आगे आ रहे हैं, और ये पहला इंशाल्लाह स्टार्ट हो गया, अल्लाह खैर करे। और बड़ी सी बात हमारे बाहू चौधरी साहब ने भी कही कि आपने अभी लिबास पहन लिया, अब 30 साल तक आपने उतारना नहीं है, तो इंशाल्लाह नहीं उतारूंगा इंशाल्लाह।